ट्रक फतेहाबाद में जहरीली गैस से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज उनके परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी, साथ ही मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरण किए। उनके साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और विधायक जितेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। कि अपने घर में सेप्टिक टैंक था, जहरीली गैस बन रही थी। एक बच्चा गिरा, उसको बचाने के लिए दूसरे बचाने के लिए तीसरे बचाने के लिए चौथा, 5 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु हुई। खबर यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद ने जब दी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बताया तो उन्होंने इस पर अफसोस भी जाहिर किया और प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये का जो सहायता राशि है वो उन्होंने भेजी है। ये दुखद घटना है, इसलिए मैं स्वयं लखनऊ से चल के यहाँ पर उनके परिजनों को, बघेल जी के यहाँ और जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं उनके परिवार में मिलने के लिए आया था। सर, यहाँ कुछ बताया जाता है कि शौचालय में अनियमितताएँ बरती गई थी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है लोगों को, तो क्या अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है? अभी मैंने जिलाधिकारी, जो आजकल कार्यवाहक जिलाधिकारी इस समय तो सांसद जी से शिकायत की थी सर, उनसे मैंने कहा है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको देखें। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विस मैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉग इन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।